भागवत हमें क्या देती है? बोले जो हमें चाहिए उसे वही प्राप्त होता है। अनुपत्ति मोक्ष कामां, जैसे कुछ नहीं चाहिए उसे मोक्ष मिलता है। जितने भी 50 प्लस बैठे हैं अपने मोक्ष की कामना लेकर बैठना कथा में, आज के बाद कभी पाप मत करना, जीवन कितना भी लंबा हो ये भागवत तुम्हें मोक्ष देगी। ये प्रॉमिस करो अपने आप से कि मैं पाप नहीं करूंगा, कोई छल नहीं करूंगा, कपट नहीं करूंगा, किसी का बुरा अनर्थ नहीं करूंगा। फिर देखिए कुछ मत करना, सिर्फ कथा सुनना, बेड़ा पार हो जाएगा। जिंदगी चाहिए कितनी भी बची हो, मुक्ति तो निश्चित है, लेकिन इसके बदले में कुछ न मांगो, होता कुछ मांग लिया तो फिर वही मिलेगा, और कुछ नहीं मांगा तो मुक्ति मिलेगी। और जो चाहिए संसारिक वस्तु वो मांग लीजिए। 50 प्लस लोगों को मुक्ति मांगनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको यही सजेशन दे सकता हूं, आगे आप जाने आपका काम। तो मेरे प्यारे, बोले महाराज भागवत का महात्म, बोले महात्म बड़ा सुंदर है। क्या महात्म है? बोले इसका महात्म है, सुनो हम तुमको सुनाते हैं। एक समय की बात है, बद्र का आश्रम में देवऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे। एकादश विशालाया ऋषया सदृश, एकादश विशालाया, वहां पर एक दिन देवऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे हिमालय में, और वहां सनकादिक ऋषि, सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों मिले, तो उन्होंने देखा कि देवऋषि नारद का मुख मुरझाया हुआ है। तो उन्होंने पूछा आपका मुख क्यों मुरझाया हुआ है? तो उन्होंने एक बात कही कि महाराज मैं शांति की प्राप्ति करने के लिए, ध्यान से सुनना, यहाँ पर अच्छे खासे लोग धनवान भी बैठे हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने आप से पूछो, शांति है क्या जीवन में? जवाब दो। सब बोलेंगे शांति है, नहीं है तो मना तो करो ना। और तुम मना नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा शांति, तुम सबको तो मैं जानता ही हूं इंटरनली, कितने शांत वो भी पता ही है मुझे। तो बोलो शांति है क्या? अब एक बात तो कंफर्म है, साधन जितने भी इकट्ठे किए हैं शांति नहीं दे सकते। दे सकते हैं? बोलो दे सकते हैं। बोले कि जितने साधन इकट्ठे किए हैं अशांति ही लेके आते हैं। हम साधन इकट्ठे चक्कर में कर रहे थे, शांति मिलेगी शांति मिलेगी शांति मिलेगी, और जितने साधन इकट्ठे होते गए उतनी अशांति इकट्ठी होती चली गई, उतनी अशांति दुर्भाग्य। अब देवऋषि नारद कहां मिले? बोले हिमालय में। हिमालय में क्या है? बद्रिकाश्रम में क्या है? बोले वहां स्वयं नारायण तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? कौन कौन गया है? बद्री विशाल हो गया है ना, हम भी ठाकुर जी कृपा से एक बार तो कथा ही की है वहां, हमने बड़ा सुंदर अवसर मिला हमको। तो वो प्रलय से पहले होके गए थे, हम प्रलय में नहीं गए थे। तो बद्र का आश्रम में क्या होता है? बद्र का आश्रम में स्वयं बद्र विशाल तपस्या करते हैं, नारायण तपस्या करते हैं। अब प्रश्न उठता है, लोग तो आपकी तपस्या करते हैं, आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? लोग तो आपकी तपस्या करते हैं ना, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? बोले नहीं, मैं संसार को बता देना चाहता हूं, बिना तप बिना व्रत तुम्हारे मन को कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए अगर मन को शांति प्राप्त कराना चाहते हो तो तप करो व्रत करो। जब व्रत करोगे और तप करोगे तब ही तुम्हारे मन में शांति प्राप्त होगी। अदरवाइज कितने भी साधन इकट्ठे कर लेना, अशांत जन्म लिया, अशांत जिए और अशांति में ही मरने वाले हो। बोलो राधे राधे। अब ऐसे धीरे धीरे नहीं बोलना है, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। बिना तप के बिना व्रत के तुम्हारे मन को कभी शांति मिलने वाली नहीं। स्वयं भद्र का आश्रम में नारायण भगवान तप कर रहे हैं। अगर हम नारायण को पूछते हैं तो नारायण की बताए हुए राह को भी मानना चाहिए। जितने भी युवा बैठे हैं यहां पर जरा सुन लीजिए हमको भी एक बात, एक्स्ट्रा डिमांड तुमको सिर्फ तकलीफ दे सकती है, सुख कभी नहीं देगी। अगर तुम्हारे जीवन में डिमांड बढ़ती गई
तो जितनी डिमांड बढ़ेंगी उतने ही दुखी रहने वाले हो तुम, सुखी रहने वाले नहीं। तो देवर्षि नारद ने कहा, महाराज मैं बहुत जगह गया, अनेकों तीर्थों में गया, वहां भी शांति नहीं मिली, और मैं गृहस्थियों के यहां गया सुख पाने के लिए, देखा कि शायद गृहस्थी सुखी हो, लेकिन जब मैं वहां गृहस्थियों के यहां गया तो वहां भी दुखी है। बोले वहां क्यों दुखी है गृहस्थी? बोले तरुणी प्रभुता गए है श्याल बहुदायक कन्या विक्रयणो लोभ दंपति नाम च कल्पना। जब मैं गृहस्थियों में गया तो गृहस्थियों के हर घर में कलेश है। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही थी मेरे ऊपर मर दो, मैं भी गृहस्थी ही हूं, हम भी बाबा जी थोड़ी तुम्हारी तरह ही हूं एकदम चकाचक बढ़िया। लेकिन एक घर बता दीजिए जहां कलेश न हो। हर घर में कलेश, हर घर में, और कलेश किसकी वजह से है? अच्छा बताइए किसकी वजह से? एक्स्ट्रा डिमांड, एक्स्ट्रा इच्छा, हमारी हमारी खुद की इमेज चाहे जो भी हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा इच्छाएं रखना, यही ना दुख का कारण है। अगर पापा सामर्थ्यवान है कि मारुति 800 में चलने के लिए, तो बेटा और बहू सोच रहे नहीं हम भी फलाने की तरह होंडे की कार लेंगे, BMW लेंगे। अरे पापा पे आई रोए मारुति लाख जी, अपने आप पे बेच के दे दे तो है। नहीं नहीं मेरे को तो शादी में यही बताया गया था ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग बताए गए थे पर हैं तो नहीं। अब जैसे तुझे पता है ना यही में सेटल करो। बेटा भी कहता नहीं नहीं मैं तो लगी रहूंगा। रह जा जा आगरा होटल लंबा छोड़ो पहुंच जाएगा बस जा। खादर जमुना जी बनाना आजकल सब घेर रहे हैं, तू घेर करने का कौन रोक रहा है? जहां मन करे वहां जा, चैनते जी और जीन दे। हाँ या ना? हाँ या ना? कलेश की वजह हमारी इच्छा है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं मैं सबके लिए बोल रहा हूं, कलेश मिटाने का एक ही उपाय है, अपनी इच्छाओं का दमन करो, जिम्मेदारी को समझो। जब जिम्मेदारी को समझोगे, इच्छाओं का दमन कर लोगे, इस भूमंडल पे कोई माई कलाल नहीं जो तुम्हें दुखी कर दे। अगर इच्छाएं बढ़ाते गए तो कोई ऐसा भी नहीं जो तुम्हें सुखी कर दे, क्योंकि आज होंडे चाहिए, कल फिर BMW चाहिए, फिर उसके बाद मर्सिडीज, फिर उसके बाद कई कई करोड़ की गाड़ियां, इच्छा कहां मरने वाली है? फिर कहोगे पर्सनल प्लेन चाहिए, कहोगे भूख मटी है आज तक जो तुम्हारी मिट जाएगी। एक देवी और देवताओं से एक निवेदन है, ये जो जुबान है ना बड़ी खतरनाक है। घरों में बड़ों की नहीं चल रही है आजकल, चल रही है क्या मामा जी बताइए? घरों में बड़ों की चल रही है क्या है? नहीं चल रही? बैठ जाओ, आप हंसकर टाल सकते हैं, लेकिन सच यह है जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती उस घर में रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते। चाहे दुनिया में एक ताजमहल तुम्हारे नाम करवा लो, सुखी नहीं रहने वाले तुम लोग करो। इस घर में तुम बड़ों का अपमान करना सीख लो, कैसे खुश रहोगे? कभी तुम बड़े नहीं होगे क्या? तुम्हारे बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे क्या? क्या वो तुम्हें फिर क्या नहीं मारेंगे? बोलो नाम लो अपने आप ही, अपने आप लो ना, मैं क्यों लू? बोलना क्या खानी है तुमको? तुम बच्चों अपने बड़ों का अपमान करते हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें उतार उतार के मारेंगे, क्योंकि तुमसे ज्यादा मास्टर हो चुके होंगे वो, तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो चुके होंगे वो। इसके लिए जरूरी है, अच्छा इस जीवन में भी ये नासमझी क्यों बनी रहती है? क्योंकि हम धर्म से विच्छेद रहते हैं, धर्म से अलग रहते हैं।
जब तक जीवन में धर्म नहीं होगा इन्वॉल्व, आप सुखी नहीं हो सकते। आपका धर्म ही तो सिखाता है ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उस धर्म से हम अगर भटक गए तो हम कभी सुखी नहीं रहेंगे। आपका धर्म ही तो कहता बड़ों का आदर करो, पर आप तो धर्म कहती है आप तो कहते हम नहीं मानते धर्म को, तो फिर तो कुछ भी करो। कलेश की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह हमारी इच्छाएं, किसी को अलग रहने की इच्छा। कई लोग बड़े बहू बेटा माँ बाप से बड़ी इजीली कह देते हैं हमें अलग कर दो, जाना अलग बोले हिस्सा ले लो तेरे बाप का एक है। बेटे को तो हर बाप को ये जवाब देना चाहिए तेरे बाप का एक है, तेरे बाप का है ना, तेरे बाप नहीं देना चाहता, यू कैन गो आउट फ्रॉम हियर, जाओ अपने आप करो कमाओ, तुम्हारी पढ़ाई पे खर्चा किया, तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा किया, तुम्हें सेटल करने लायक बना दिया, जाओ अपने पैरों पे खड़े और अपना घर चलाना सीखो, क्यों मेरे से ही हिस्सा मांग रहे हो, हिम्मत है तो जाओ ना अपने आप करके कमाओ, तेरा ग्रस्त है, तेरी जिम्मेदारी तू निभा, बूढ़े माँ बाप कब तक निभाएंगे। और माँ बाप को भी एक काम कर लेना चाहिए, अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर लेना चाहिए। हर माँ बाप के लिए सलाह दे रहा हूं, बच्चों से उम्मीद मत रखना, न जाने कब कौन सा तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, बी केयरफुल। और जो आगे जाके बूढ़े होंगे उनसे भी सिखा रहा हूं, आजकल जो बच्चे हैं तुम भी अपना जीवन सुरक्षित ही रखना बच्चों के आगे, क्योंकि तुम्हारे भी बाप बनने वाले हैं, बच्चे रहने वाले वो भी नहीं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, आगे फिर बता दूंगा, सुनते रहना कथा, कहीं ऐसा मत करना कि बीच कथा छोड़ के भाग जाओ, तो फिर आधा अधूरा रह जाएगा, फिर कुछ भी ना इधर के रह पाओगे ना इधर के रह पाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर पूरा समझोगे तो जीवन